हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ PV100 के माइक के बारे में। दोस्तों अक्सर आप जब कभी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या फिर आप कभी सोचते होंगे कि बोया माइक को हम अपने PV100 कैमरे में किस तरीके से अटैच करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा और क्या सेटिंग हमें रखनी होगी जिससे हमारा जो बोया माइक है वो हमारे PV100 कैमरे में अटैच हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बोया माइक को PV100 कैमरे में अटैच कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी सेटिंग रखेंगे कि जिससे हमारी जो ऑडियो क्वालिटी वो अच्छी आएगी। मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार मैंने अपने स्तर पर अपना एफर्ट लगा के एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है जिसकी मदद लेके हम बोया माइक को अपने PV100 या फिर आप कोई सा भी कैमरा ले लीजिए जिसको हम डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं अपने कैमरा कोडर से। ये जो जुगाड़ है ये मैंने मात्र 50 रुपये में बनाया है। आप सोचेंगे कि इतना सस्ता आपने कैसे बना लिया, लेकिन इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये ऑनलाइन मुझे 700 या 800 रुपये के आसपास वहां पर मिल रहा था। और फिर फाइनली मैंने सोच के कि किस तरीके से इसको हम तैयार करेंगे, तो मार्केट से मैं दो तरह की पिन लेके आया। एक तो XLR है जो मेल पिन है और दूसरी 3.5 mm का जो फीमेल जैक है वो मैं लेके आया हूँ। और एक छोटा सा वायर मैंने लिया है और इसकी मदद लेके एक छोटा सा जुगाड़ मैंने बनाया है जिसकी मदद लेके हम PV100 में अपना जो बोया माइक है उसको अटैच करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का जुगाड़ मैंने बनाया है और किस तरीके से उसका वायर कनेक्शन किया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है XLR जैक, ये मेल जैक है और दूसरा है यह है 3.5 mm का फीमेल जैक। इसमें हम अपने बोया माइक की जो पिन है यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। और इसका मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन इसमें किया है और इसको रेडी किया है। तो इस तरीके के जो दो जैक हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, 20-20 रुपये में ईजिली मिल जाएंगे और आप भी घर बैठे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 पिन दी हुई है इस तरीके से और यहाँ पर भी ये 3 पिन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है इसमें मैंने ब्लैक वायर यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसमें भी आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर वाला वायर है इसमें मैंने यहाँ पर ब्लैक वाला वायर कनेक्ट किया है। तो ये हो गया सेंटर का कनेक्शन। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लेफ्ट राइट दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखिए, और इसमें भी लेफ्ट राइट यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये हमारी जो ऑडियो आती है लेफ्ट राइट उसका कनेक्शन है। आप इसमें कोई सा भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट का। तो ये इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं और इस तरीके से आप छोटा सा जुगाड़ बना सकते हैं और मैं आपको इसका पिन भी इंसर्ट करके बताता हूँ। चलिए मैं इसको वापस से सेट कर देता हूँ। इस तरीके से हम अपने बोया माइक की पिन को यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर लेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अपने कैमरे में लगा देंगे। तो चलिए मैं अपने कैमरे में इसको लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनपुट 2 में इस XLR कनेक्शन को लगा दिया है और आप इसमें भी इसको लगा सकते हैं, इनपुट 1 में भी, दोनों में से किसी भी इनपुट में आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका पूरा पैनल दिया हुआ है ऑडियो का और ये जो रिंग आपको नजर आ रही है यहाँ से आप ऑडियो को कम ज़्यादा कर सकते हैं दोनों रिंग के माध्यम से। अगर ये वाला जो बटन है ऊपर की तरफ यहाँ पर इनपुट भी रहता है तो इसका जो इनबिल्ट माइक है वो काम करेगा और अगर हम सेंटर में इसको कर देते हैं तो इनपुट 1 का माइक यहाँ पर काम करेगा और अगर हम इनपुट 2 में लगाते हैं तो इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा। दोनों जगह पर सेम पोजिशन में आपको करना पड़ेगा। अगर आप इनपुट 1 में लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको इनपुट 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको इनपुट 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो माइक का दिया हुआ है तो ये माइक पे रहेगा दोनों जगह सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको सेट करना है और वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये ब्लिंक कर रही है।
इसका मतलब यह है कि इसकी जो ऑडियो है इसमें बराबर जा रही है और हमारा जो बोया माइक है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग गया है। तो इस तरीके से आप बोया माइक को कैमरा कोडर में अटैच करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अपनी आवाज को यहाँ पर बंद करता हूँ तो ये जो ब्लिंक करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था ये एकदम से यहाँ पर रुक जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करने लग गया है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मैंने एक कम बजट में पैसा खर्च करके और अपने जो बोया माइक को अपने PV100 कैमरे से अटैच किया और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपको मैंने दिखाई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।